डीडीए फ्लैट स्कीम। डीडीए ने 4 घंटे में बेचे 1100 फ्लैट। आज तक पहले कभी नहीं हुआ कि डीडीए के एक साथ इतने सारे फ्लैट बिके हो। पहले आओ पहले पाओ की स्कीम में पहले कभी नहीं हुआ कि डीडीए के एक साथ इतने सारे फ्लैट बिके। 4 घंटे के अंदर डीडीए ने बेचे 1100 फ्लैट। सस्ता घर और मध्यवर्गीय हाउसिंग स्कीम को मिला ये रिस्पांस। राजधानी दिल्ली में किफ़ायती और मध्यम आय वाले आवास विकल्पों की मजबूत डिमांड को प्रदर्शित करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण हाउसिंग यानी डीडीए के साल 2024 के लिए सस्ता घर व मध्यवर्गीय आवासीय योजना को बुकिंग के पहले दिन ही खरीदारों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। लोग किस कदर डीडीए की इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं इसका अंदाजा पहले दिन की बिक्री के आंकड़े देखकर ही आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल मंगलवार को बुकिंग शुरू होने के महज 4 घंटे के भीतर ही इस स्कीम के 1100 से अधिक फ्लैट बिक गए। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इलाके बने रोहिणी और नरेला। 4 घंटे के अंदर ही रोहिणी के 450 फ्लैट बिक गए और नरेला के सेक्टर G2 के 300 से ज़्यादा फ्लैट बिक गए। इन दोनों इलाकों को पूरे दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद करा गया। इसमें रोहिणी के जो LIG फ्लैट रोहिणी सेक्टर 34-35 में 450 फ्लैट जो है 4 ही घंटे में बिक गए। खरीदारों के लिहाज से दिल्ली का ये एरिया सबसे पॉपुलर नज़र आ रहा है। इसके अलावा रोहिणी, रामगढ़ और जसोला इन इलाकों में भी काफ़ी सारे फ्लैट बिके हैं। दूसरे नंबर पे रोहिणी नरेला का सेक्टर G2 आया है, उसके बाद अपना रामगढ़ कॉलोनी आई है, उसके बाद जसोला आया है। रामगढ़ के अंदर 100 फ्लैट बिके हैं और जसोला के अंदर 41 फ्लैट बिके हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई इलाका अच्छा लगता है तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नरेला के अंदर लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस नरेला के अंदर ही है नारंग प्रॉपर्टी के नाम से, जिसमें अगर आप सेक्टर G2 में EWS और LIG फ्लैट्स ले सकते हैं, सेक्टर G7 G8 में ले सकते हैं, सेक्टर A1 से A4 में ले सकते हैं, सेक्टर A1 से A4 में EWS MIG और HIG फ्लैट्स हैं। अगर आपको जौन सी भी लोकेशन अच्छी लगती है आकर देखें, विजिट करें और आपको पसंद आते हैं तो अपने सपनों का फ्लैट बुक कर लें, क्योंकि धीरे धीरे सारे ही बुक होते जा रहे हैं। अच्छी लोकेशनें अभी बची हैं, आप आकर देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इनके अंदर जो EWS है उनका जो बुकिंग अमाउंट है 50,000 रुपये है, जो 11.5 लाख रुपये से शुरू होते हैं EWS फ्लैट्स जो सेक्टर G2 के अंदर पड़ते हैं। G2 के अंदर जो LIG फ्लैट्स हैं जो 40 गज वाले हैं वो आपके 11,90,000 के आसपास हैं, और जो 55 गज वाले हैं वो आपके 21.5 लाख रुपए के आसपास पड़ते हैं। 20,90,000 से लेकर 21,25,000 रुपए के आसपास पड़ते हैं। उसमें कुछ फ्री होल्ड चार्ज मिला के आपके 21.5 लाख रुपए के आसपास आपको LIG फ्लैट्स पड़ते हैं। 12 से 13 मंजिल बने हुए जिनमें आपको लिफ्ट मिल जाती है, अंदर ही आपको पार्क मिल जाते हैं, बाउंड्री वॉल के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटी बनी हुई है। इसके अलावा सेक्टर A1 से A4 में भी EWS फ्लैट्स हैं जो उनका प्राइस DDA ने 31,50,000 से लेकर 32 और वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलता आपको, ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग मिलती है, बड़ी अच्छे बने हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है जिसमें आपको ज्वाइंट सोसाइटी मिल जाती है, EWS MIG और HIG के साथ आपको रहने का मौका मिलने वाला है। नरेला के अंदर काफ़ी सारे DDA के फ्लैट्स हैं, सारे ही अच्छे हैं, सारी अच्छी सोसाइटी है। आपका जो बजट जो आपको पसंद आते हैं आपका बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। लोकेशन आकर देखें और पसंद करें। यहाँ पे सबसे जो सस्ता फ्लैट है वो 11.5 लाख रुपए है और सबसे महंगा है HIG फ्लैट। जो सबसे महंगा जो फ्लैट्स है वो HIG फ्लैट्स है जो सेक्टर A1 से A4 में पड़ता है। सारे ही अच्छे फ्लैट्स हैं, आप आकर देख सकते हैं।
इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वो AWS और LIG को ही मिल रहा है, अभी MIG और HIG को नरेला के अंदर अभी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर अभी वो सुविधाएं नहीं हैं जो MIG और HIG को चाहिए, वो भी जल्द आ जाएंगी और वो सुविधा का लाभ AWS और LIG वाले भी उठाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इनके ऊपर 80-90% के आसपास लोन हो जाता है, AWS का बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपये है, LIG का 1,00,000 रुपये, MIG का 4,00,000 रुपये और HIG का 10,00,000 रुपये है। तो आप आकर विजिट कर अपनी पसंद का फ्लैट खरीद सकते हैं। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका दिन शुभ हो, ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें।